नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नाइन भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। पश्चिम चंपारण संवाददाता त्रिलोकी राय की रिपोर्ट। नौतन प्रखंड के खालमा खटोला में माननीय पत्रकार अरुण कुमार पटेल के द्वार पर प्रबल भारत पार्टी के कार्यकर्ता बैठक कर करमठी पत्रकार अरुण कुमार पटेल बैरिया विधानसभा का भावी प्रत्याशी के रूप में किया गया। भावी एवं करमठी प्रत्याशी अरुण कुमार को टिकट देकर नौतन बैरिया विधानसभा के विधायक बनाने का संकल्प लिया है। बिहार राज्य के भ्रष्ट नेताओं और प्रशासन द्वारा शोषण को देखकर युवाओं ने अपनी पार्टी बनाकर एक सुंदर एवं स्वच्छ क्षेत्र और राज्य को बनाने के लिए अपना उम्मीदवार अरुण कुमार को आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दिए। युवा प्रत्याशी अरुण कुमार प्रोत्साहन को स्वीकार किया व नौतन और बैरिया विधानसभा में उतरने का फैसला लिए। प्रबल भारत पार्टी का कहना है कि हमारे मजदूर भाई अन्य राज्यों में जाकर काम करते हैं, दिल्ली पंजाब हरियाणा में, लेकिन बिहार सरकार को आज तक नहीं सूझी अपने राज्य में फैक्ट्री बैठाकर अपने बिहारी भाइयों को रोजी रोटी दे। फैक्ट्री तो अलग की बात है, युवाओं को आज तक नौकरी नहीं मिली। सिर्फ बिहार में फॉर्म भरे युवाओं का परीक्षा होता है, नौकरी नहीं। प्रबल भारत पार्टी का और कहना, युवा अपने अधिकार को पहचाने, युवा पार्टी का सरकार बनेगी तो बिहार में पढ़े लिखे युवाओं को नौकरी मिलेगी, नहीं तो भ्रष्ट मंत्री से नहीं। प्रबल पार्टी के सभी कार्यकर्ता मौजूद थे। सौरभ कुमार जिला अध्यक्ष, शशिराज उप जिला अध्यक्ष, पवन कुमार कोषाध्यक्ष, आलोक कुमार जिला महासचिव, प्रद्युमन कुमार जिला सचिव, ईश्वर कुमार जिला कार्यकारी अध्यक्ष, रवि कुमार जिला उप सचिव, कलीम बैठा विधानसभा अध्यक्ष, छोटू बाबू कुमार यादव जिला कार्यकारी अध्यक्ष, अरुण कुमार प्रबल भारत पार्टी के कर्मठ एवं सुयोग भावी प्रत्याशी और कुछ ग्रामीण कमल पटेल, हरदेव पटेल और सुनील पटेल मौजूद रहे।